पट्टी पुलिस ने चोणा वाले दिन गोली चलन दी गल कबूल ली है। दस दे कि जिस दिन चोणा सी 14 फरवरी नूं उस दिन पट्टी दे विच गोली चली सी। हालांकि पुलिस इस इनकार कर रही सी, लेकिन हुण पुलिस ने गल कबूल ली है। पहला पुलिस वालों गोली ना चलन दी गल कही जा रही सी। आप वर्कर मनबीर सिंह गोली लगण नाल जख्मी होया सी, लेकिन हैरानी की गल है कि पुलिस हुण तक इस तरह की किसी भी घटना तो इनकार करती नजर आई। किस तरह की गोली ना चलन की गल कहती नजर आई, लेकिन हुण पुलिस ने गल कबूली है। पुलिस ने लखबीर सिंह सने अणपछाते खिलाफ मामला जड़ा है वह दर्ज कर लिया। तारा 307 तहत FIR दर्ज किए जाने की खबर है। सो पट्टी पुलिस ने चोणा वाले दिन हुण गोली चलन की गल कबूल ली है। हालांकि इस तो पहला पुलिस इस तरह की किसी भी घटना तो इनकार करती सी, ते हुण पुलिस ने इस गल नूं कबूलिया। पहला पुलिस वालों गोली ना चलन की गल कही गई सी। आप वर्कर मनबीर सिंह गोली लगन नाल जख्मी होया सी, और इस लैके आम आदमी पार्टी वालों लगातार जड़ा है रोस भी जाहिर किया गया सी। सवाल पुलिस से खड़े किए गए सन, ते हुण पुलिस ने तारा 307 तहत FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। नरेंद्र सिंह पट्टी तो साडे नाल जुड़ चुके ने, उन्हां दे नाल गल करदे आं। नरेंद्र, की कुछ जानकारी? पुलिस तां पहलां साफ इनकार करदी नजर आई कि इस तरह की कोई घटना नहीं वापरी, कोई गोली नहीं चली, कोई जख्मी नहीं होया। हुण पुलिस ने इस तरह दा नाल यू टर्न लिया। बिल्कुल दसना चाहांगे कि कल DSP पट्टी कुलजिंदर सिंह ने एक वीडियो जारी करके इस गल की पुष्टि की थी कि चोणां वाले दिन किसी भी किस्म की कुटमार या गोली चलन की घटना जी नहीं वापरी, पर बीती रात जरा पुलिस ने जख्मी हुए मनबीर सिंह के जाना के आधार से लखबीर सिंह समेत चार पांच अणपछाते व्यक्तियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया। जिस विच मनबीर सिंह ने जानकारी पुलिस को यह दी है कि अपने लाइन में उसको 2 गोलियां लगिया ने, ते 2 गोलियां लगन करके गंभीर जख्मी हो गया। उसने पुलिस को शिकायत भी इस गल की की थी, पर पुलिस इस गल मनने लिए तैयार नहीं थी कि गोली चली है। हुण जिहड़ी CCTV फुटेज जिहड़ी आ आप पार्टी के आगुआं वल्लों पुलिस को मुहैया कराए जाने पुलिस ने बिल्कुल। और जिस तरह के नाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार एक कह रही थी कि जिस तरह के नाल हिंसा हुई है, गोली चली, उन्होंने वर्कर जख्मी होया, हालांकि पुलिस इस तो इनकार करती नजर आई, लेकिन क्या से उम्मीद कर सकते हैं कि हुन 307 तहत मामला जरूर दर्ज किया गया है, हुन सही ढंग के नाल इस मामले में जांच होगी? बिल्कुल, हुण तो जो आम आदमी पार्टी के वख-वख आगू ने उन्हां वल्लों पट्टी विच लगातार आवाजाई जिहड़ी शुरू की गई है, प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस करके पुलिस उत्ते विवाद जिहड़ा बनाया गया, जिस विच जिहड़ा जख्मी पीड़ित मनबीर सिंह सीगा उसने ये भी गल कही थी कि जिहड़ी गोली चली है वह DSP पट्टी के इशारे से चलाई गई थी, जिस तो साफ ही इनकार जिहड़ा DSP पट्टी वल्लों किया गया कि वह इहो जी किसी घटना में ना शामिल सी, ना कोई वापसी है, ना कोई होई है। उन्होंने कहा मेरे को सारिया वीडियो भी मुहैया ने, जो आम आदमी पार्टी वाले चाहन तो अभी दिखा भी सकते हैं कि यह कोई घटना नहीं वापरी, पर हम जी CCTV फुटेज भी जी आम आदमी पार्टी ने मुहैया कराई है, गोली चली है, आम आदमी पार्टी का वर्कर जो है जख्मी हुई है, जिसके तहत धारा 307 मामला दर्ज करके हुण अगे जांच की जा रही है।